पहली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आइए और जरा सुजलॉन की बातचीत कर लेते हैं। सुजलॉन आपको बता दें लगातार मोमेंटम में बना हुआ है शेयर, कुछ ना कुछ खबरें, पहले कहा तो तेजी या मंदी खबरों में लेकिन जरूर रहेगा। अब थोड़ी सी सुस्ती के बाद दोबारा खबर में आया है क्योंकि इसका प्राइस बैंड जो है, जो सर्किट लिमिट है उसको जो है 10% कर दिया गया है, जो कि पहले हुआ करता था 5% के आसपास की। लगातार 8 दिन के टूटने के बाद इस शेयर में मंगलवार यानी कल से जो है रिकवरी यानी सुजलॉन के अंदर फिर से शुरू हुई है और 16 सितंबर को इसने जो है अपना 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर बनाया था जो कि 86.04 रुपये का था और आज करीब 6% की तेज़ी देखने को मिल रही थी जब खबर बनाई थी। अभी भी 5% ऊपर काम काज कर रहा है, 37 की 10% हो गई है। क्या उम्मीदें आपको लग रही हैं, क्या दोबारा ये अपने 52-week हाई की तरफ हाल फिलहाल में जाता हुआ दिखाई देगा, आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए सुजलॉन में बिफोर लास्ट वीक जब डिस्कशन हो रहा था तब भी हमने कहा था कि ब्रेकआउट फेल हुआ है 84 के ऊपर तो लॉन्ग लिक्विडेशन में 72.50 और 65.60 रुपए तक का टारगेट आ सकता है। लो बना है 66.10 रुपए, लेकिन वहां से रिकवरी जो है ये बहुत स्मार्ट रिकवरी है और बड़े वॉल्यूम्स के साथ रिकवरी है तो स्टॉक में प्रोबेबली 2-3 हफ्ते साइडवेज जा सकता है। इवेंचुअली 84-86 के लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट आएगा स्टॉक में लगभग 109 और 124 ये दो टारगेट इमर्ज होते हुए दिखेंगे। तो अगर फ्रेश बाइंग कर रहे हैं तो मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 84 के ऊपर कंफर्मेशन मिल जाएगा। अगर एग्रेसिव प्लेयर हैं तो करंट मार्केट प्राइस से भी बाई कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन एक्स्ट्रा लेता हूं ताकि मोमेंटम मेरे को अच्छा मिल जाए जो 84 के ऊपर प्लेस्ड है। तो अगर आप मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं कंफर्मेशन के साथ तो 84 के ऊपर लीजिए, प्रीएम्प्टिव लेना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस से भी एंट्री बन सकती है।